गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 11 झूमर द्वितीय पाठ है ना। अब देखिए पेज संख्या 65 पर, पहले हमने जो छोड़ा उसके बाद का सेकंड थर्ड पैराग्राफ पर, कुछ दिनों बाद एक दिन ध्रुव ने अपनी माँ से पूछा, माँ दुनिया में मेरे पिता से भी बड़ा क्या कोई और है? सुमति ने कहा, भगवान तेरे सिवा तेरे पिता से भी बड़े हैं। कौन बड़े हैं? भगवान। तब सुना तब वह उसके दुख दूर करते हैं, पर पता नहीं वह कहाँ रहते हैं, उन्हें किसी ने अपनी आंख से तो देखा नहीं। ध्रुव ने मन में सोचा, भगवान कहीं भी हो मैं उनसे मिलूंगा जरूर। उसी रात जब उसकी माँ सो रही थी, वह चुपचाप उठा और घर से निकलकर चल दिया। चलते चलते वह अपने घर से बहुत दूर निकल गया। उसे बच्चा समझकर जो कुछ लोग उसे खाने को दे देते वह खा लेता और आगे चल देता। सवेरे से शाम तक वह हर समय घूमता ही रहता था और रात को जहाँ जगह पेज संख्या 66 देखिए, जहाँ जगह मिलती वहाँ सो जाता था, सवेरे उठकर फिर चल देता था। उसके मन में एक ही इच्छा थी कि भगवान उसे कहीं मिल जाए। एक के बाद एक अनेक नगरों में वह अकेला घूमता फिरा। इस प्रकार कई वर्ष बीत गए पर उसे भगवान के दर्शन कहीं नहीं हुए। घूमते घूमते एक बार वह एक जंगल में पहुंचा। जंगल के उस पार परलोक की सीमा शुरू होती थी। इस जंगल पर पृथ्वी और परलोक दोनों के निवासियों का अधिकार था, इसलिए मनुष्य और देवता दोनों ही जंगल में आया जाया करते थे। बालक ध्रुव उस समय उस जंगल में और उसके पार भी घूमता फिरा, पर उसको भगवान कहीं नहीं मिले। आखिर थक कर वह एक दिन आंखें बंद करके एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उसने मन में यह निश्चय कर लिया था कि जब तक भगवान खुद नहीं आएंगे वह आंखें नहीं खोलेगा। पृथ्वी के मनुष्य उसे बाल योगी समझकर उसके पास आते और उसे खाने पीने की चीज़ें दे जाते थे। ब्रह्मा विष्णु शिव इंद्र और कई देवता भी परलोक से उसे देखने आए और अपना अपना परिचय देकर उससे आंखें खोलने को कहा, परंतु उसने आंखें नहीं खोली। भक्त था ना ध्रुव, भगवान को प्राप्त करना चाहता था, तो उसने अटल निश्चय कर लिया था कि मुझे भगवान को प्राप्त ही करना है, कितना ही कोई समझाए करे लेकिन वो नहीं मानता। तो उसने इस बीच में एक बार भी सूर्य का प्रकाश नहीं देखा था। इस प्रकार उसे जंगल में अकेले आंखें बंद किए बैठे थे कई वर्ष बीत गए। उसने इस बीच में एक बार भी सूर्य का प्रकाश नहीं देखा था। उसने मन में यह सोच लिया था कि भगवान यदि उसके पास न आए तो वह कभी आंखें नहीं खोलेगा। एक दिन वह रोज की तरह आंखें बंद किए बैठा था, तभी किसी ने उसके पास आकर कहा, मैं भगवान हूँ, आंखें खोलो। ध्रुव ने खुश होकर आंखें खोल दी। उसने देखा कि एक मामूली सा आदमी उसके सामने खड़ा है। उसने ध्रुव से कहा, तुम मनुष्य में ही अब भगवान को देख सकते हो। भगवान वहीं बसते हैं जहाँ मेहनत करने वाले मनुष्य अपना खून पसीना एक करते हैं। तो कहाँ बसते हैं भगवान? जहाँ मनुष्य मेहनत करके कमाता है, खाता है, अपना खून पसीना बहाता है, उनमें बस भगवान बसते हैं। ध्रुव की समझ में बात आ गई। उसने उसी समय उठकर गरीब मेहनत करने वालों की सेवा का काम आरम्भ कर दिया। वह उनकी बस्ती में जाकर उन्हें सुख पहुंचाने के कार्य करता। कोई बीमार हो तो रात दिन उसके पास बैठकर उसकी सेवा करता था। इस प्रकार वर्ष पर वर्ष बीतते गए। वह राज्य भर के गरीब लोगों की बस्तियों में बहुत लोकप्रिय हो गया था। उधर उत्तानपाद काफी बूढ़े हो गए थे। राज्य में शासन का कार्य उनसे संभलता नहीं था। उत्तानपाद उनके पिता थे ना ध्रुव के, तो उनका पुत्र उत्तम भी अब बड़ा हो गया था। उन्होंने सोचा कि अब उत्तम को राजा बना देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने उसकी अपनी दूसरी पत्नी को वचन दिया था। तो सुरुचि यह सोचकर बहुत खुश थी कि अब वह राजमाता कहलाएगी। जब यह खबर राज्य की जनता में पहुंची तो लोग सोचने लगे कि उनका चुना हुआ कोई व्यक्ति राजा क्यों ना बने। वहाँ के लोगों ने अपना सोचा कि हम जो चुने वही राजा बनना चाहिए, है ना। तो राज्य में जगह जगह से आवाजें उठने लगी कि वे नहीं चाहते थे कि उनके ऊपर कोई राज थोप दिया जाए, वे अपना राजा खुद चुनना चाहते थे। राजा अपनी इस मांग को लेकर विद्रोह करने को तैयार, जनता अपनी मांग को लेकर विद्रोह करने को तैयार हो गई। राजा को ही नहीं सुरुचि को भी जनता की इस मांग के आगे झुकना पड़ा।
उत्तम और ध्रुव में चुनाव हुआ, अधिकतर लोगों ने ध्रुव के पक्ष में मत दिया। चुनाव होता है ना, अभी अपने भी मत होते हैं, मत पेटी में जिसका निर्वाचन किया जाता है वो चुना जाता है, तो उसी को नेता या बना दिया जाता है। आजकल पहले जो राजा का चुनाव होता था, तो ध्रुव राजा चुन लिया गया, सुमति राजमाता बन गई। पर राजा चुने जाने के बाद भी ध्रुव ने सुरुचि या उत्तम से कोई बदला नहीं लिया। तो देखो कितनी महानता थी उसकी, है ना, क्योंकि जिसने जीवन भर उसको कष्ट दिया, उसकी माता को कष्ट दिया, लेकिन फिर भी उससे बदला नहीं लिया। ऐसे थे ध्रुव भक्त, भगवान के भक्त थे, राज्यकाज उन्होंने अच्छे से संभाला, जनता का दुख दूर किया और भगवान की प्राप्ति उन्हें हुई। अच्छा लगा बच्चों आपको पाठ? पौराणिक कथा है, पुरानी कथा है, तो आध्यात्मिक से जुड़ी हुई है। आशा है आपको ये पाठ समझ में आया है, ये कथा आपको समझ में आई। धन्यवाद।